हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल नवरात्रि व्रत चल रहे हैं तो लौकी की सब्जी, लौकी की लौंग, लौकी की खीर कुछ भी बनाई जाए बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ लौकी फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत अधिक फाइबरस होती है, लेकिन बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आपको लौकी की ऐसी खीर बताऊँगी जिसमें ना ही आपको मावे की ज़रूरत है। मात्र एक चम्मच घी में आप लौकी की खीर बनाकर तैयार कर लेंगे और खाने में तो इतनी टेस्टी होगी कि आपके बच्चे बार बार आपसे बनवा कर खाया करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने आधा किलो की ये लौकी ली है और एकदम कच्ची लौकी है। देखिए कितनी अच्छे से कट के तैयार हो रही है। ये देखिए बिल्कुल एकदम से अंदर से कच्ची है। ये आजकल बाज़ार में बहुत अच्छी लौकी आ रही है, इसलिए छाट कर एकदम अच्छी सी लौकी लीजिएगा और इसका ऊपर का छिलका हम पील कर देंगे। इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और ये देखिए मैंने दोनों पीसेस को अच्छे से पील कर लिया है। अब एक मैंने ये ग्रेटर लिया है और ग्रेटर से अपनी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने थोड़े बड़े साइज वाला ग्रेटर का यूज़ किया है ताकि हमारा लच्छा एकदम से थोड़ा बड़ा बड़ा आए, क्योंकि खीर में लौकी का लच्छा अगर मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने पूरी लौकी अच्छे से ग्रेट कर ली है। अब इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें एक चम्मच भरकर मैंने घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, लौकी की खीर हो या कोई भी स्वीट डिश हो, देसी घी में ही अच्छी लगती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में ही इसे बनाएं और इसमें अपनी लौकी डाल देंगे। एक बात और फ्रेंड्स, मैंने लौकी को काटना छील कर उसे अच्छे से धो लिया था, इसलिए मैंने इसे ग्रेट करके बिल्कुल भी नहीं धोया है। और अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता है। और लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए लौकी अच्छे से भुन गई है, इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। और देखिए लौकी भुनने के बाद भी इसका रेशा अच्छे से बिल्कुल बना हुआ है। और अब हम इसमें अपने ये 2 गिलास भरकर दूध डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस समय इसमें फ्रिज का दूध मत डालिएगा वरना दूध फट जाएगा। इसमें थोड़ा सा गुनगुना करके या फिर रूम टेम्परेचर का ही दूध डालिएगा और लौकी और दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छे से खौला लेंगे। जब तक लौकी गलने नहीं लगती तब तक इधर मैंने 1/3 कप ये मैंने साबूदाना लिया है और साबूदाने को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम 2-3 बार धो लेंगे ताकि इसमें जो धूल मिट्टी और स्टार्च हो वो निकल जाए। और ये देखिए मेरा साबूदाना धुल के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तब तक इधर ये देखिए लौकी और दूध भी अच्छे से खौलने लगे हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से खौला कर पका लेंगे। ये देखिए जैसे जैसे तो लौकी पकती जा रही है दूध भी गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसमें मैं 1/2 कप भरकर ये चीनी डाल दूंगी और चीनी को भी लौकी और दूध के साथ अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, चीनी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए सभी चीज़ें खूब अच्छे से खौलने लगी हैं। इधर 10 मिनट हो गए हैं और हमारा साबूदाना भी अच्छे से फूल गया है। अब साबूदाने को हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने साबूदाने को दरदरा पीस लिया है। फ्रेंड्स, अभी हमारी लौकी अलग अलग दूध में दिख रही है, बिल्कुल भी इसमें गाढ़ा टेक्सचर नहीं आया है। इसके लिए इसे गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा साबूदाना डाल दिया है और साबूदाने से लौकी की खीर का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। साथ ही साथ ये बहुत अधिक हेल्दी भी हो जाती है क्योंकि साबूदाने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होती है।
अब साबुदाने को भी अच्छे से दूध के साथ पका लेंगे और कुछ ही देर में देखिएगा साबुदाने के कारण हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ीदार खीर बनकर तैयार होगी। अब मैंने ये इसमें एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आधा कप ये फ्रीजर की रखी हुई मलाई डाल दी है। मैं मलाई को ज़्यादातर फ्रीजर में ही रखती हूँ इसलिए थोड़ी सी जमी हुई है, और मलाई को भी अच्छे से सभी चीज़ों के साथ पका लेंगे। और देखिए जैसे जैसे साबुदाना पकता जा रहा है हमारी खीर कितनी गाढ़ी होती जा रही है। और अब इसमें मैं लौकी की खीर है तो लौकी का कलर देने के लिए मैंने इसमें आधा पिंच बस ये फूड कलर डाल दिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे लौकी की खीर का कलर बहुत अच्छा आता है तो और बच्चों को खाने के लिए अट्रैक्ट करती है। ये देखिए कितना अच्छा सा लौकी का कलर आ गया है। और खीर देखिए हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है, ना ही मैंने इसमें मावे का यूज़ किया है और ना ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, तब भी हमारी खीर इतनी कितनी गाढ़ी हो गई है। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी चिरौंजी। फ्रेंड्स आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने ये काजू और बादाम को काट लिया था उन्हें इसमें डाल देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और सब में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर को बाद में ही डालिएगा ताकि इसकी खुशबू अच्छे से खीर में बनी रहे। और ये देखिए हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए थोड़ी देर में खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी बनी हुई है। इसमें कोई भी बाहरी इंग्रेडिएंट नहीं पड़ा है, घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से आपके लौकी की खीर बनाकर देखिएगा, मात्र 10-15 मिनट में आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमारी लौकी की खीर बनकर तैयार हो गई। इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। और ये लीजिए हमारी लौकी की खीर बनकर तैयार हो गई है। इसमें ना ही मावा का, ना ही मिल्क पाउडर, किसी भी बाहरी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया है। व्रत में खाने के लिए बहुत टेस्टी बनी हुई है। एक कटोरी आप रोज़ सुबह खा लेंगे तो आपको पूरे दिन फुर्ती बनी रहेगी। साथ ही साथ ये बहुत अधिक हेल्दी है, इसलिए बच्चों को भी ज़रूर ट्राई करवाइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।